Hi, good morning, my dear student. Today we are going to continue class 1260, chapter 10, Reveals and Raj. In this chapter, today we will continue the story which I was tell you in my previous class. My dear, in my last class, I was discuss the social region, political region, economical region. And today we will try to understand that what was the problem of the sipahi. Kada sipahiyon ko kai sare kanunon ka samna karna padta tha. 1857 ka vidroh company ke sipahiyon ki bagawat se aarambh hua, unke revolt se aarambh hua. इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि जिन सिपाहियों ने कंपनी को भारत पर विजय करने में सहायता दी वे एकाएक विद्रोही क्यों बन गए. हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि वो भारतीय जो कभी कंपनी के लिए जान न्योछावर कर रहे थे एकाएक विद्रोही क्यों बन गए. यहां पर इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि आखिरकार सिपाही भी भारतीय समाज के अंग थे और इसलिए वे भी कुछ हद तक अन्य भारतीय सुख और दुख में हिस्सेदार थे. समाज के अन्य वर्गों की बजाय समाज के अन्य वर्गों की आशाओं के, आकांक्षाओं के और उनकी निराशाओं में भी इन सिपाहियों की भागीदारी या भावनात्मक रूप से जुड़ाव देखने में आया. मगर उनके नाते रिश्तेदारों को ब्रिटिश शासक के विध्वंसक आर्थिक परिणामों को भुगतना पड़ा तो उन्होंने भी इन कष्टों को महसूस किया. मोस्टली सिपाही अवध प्रांत के थे. अवध में जब रेवेन्यू सेटलमेंट्स लागू किया गया, जमींदारी सिस्टम लागू की गई, फिर बाद में वहां पे और तरह के भू सुधार आंदोलन, लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई, तो इसका सीधा सा प्रभाव इन सिपाहियों के परिवारों पर भी पड़ा. उनके अपने अनुभव, उनके अपने कष्टों को सिपाही चाहे बंगाल में था या कहीं भी था उसने महसूस किया. वे भी इस आम धारणा से प्रभावित थे कि अंग्रेज उनके धर्मों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और भारतीयों को ईसाई बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है. उनके अपने अनुभव ने भी उन्हें इस तरह की धारणा को स्वीकार करने के लिए पहले से ही तत्पर बना दिया था. वे जानते थे कि फौज में भी सरकारी खर्च से पादरी रखे जाते हैं. वो ये भी जानते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब विभिन्न प्रकार से भारतीयों के धर्म पर चोट करना चाहती है और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहती है. कल मैंने आपको आरडी मैगलस का स्टेटमेंट जो उसने हाउस ऑफ कॉमन्स में पढ़ा था बताया था. मैंने कहा था आरडी मैगलस ने कहा था हाउस ऑफ कॉमन्स में कि विधाता ने हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य इंग्लैंड को इसलिए सौंपा है कि ईसा मसीह का झंडा भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक शान से फहराए. प्रत्येक ब्रिटिशर्स को अपनी भारी ताकत जरूर लगानी चाहिए जिससे कि भारत को ईसाई बनाने का शानदार काम जारी रख सके. ये बात मैगलस कह रहा है और ये बात सिपाहियों ने, इसीलिए सिपाहियों को ऐसा लग रहा था कि उन्हें उनके धर्म को भी भ्रष्ट करने या उनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास चल रहा है. सैनिक अधिकारियों ने सिपाहियों को जाति और पंथ संबंधी चिन्ह जैसे चंदन, टीका, दाढ़ी, पगड़ी, शिखा का इस्तेमाल करने से मना कर दिया. 1856 में एक कानून बना जिसके तहत हर रंग रूट को आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार जाकर भी काम करने का वादा करना पड़ा था. इससे सिपाहियों की भावनाओं को ठेस पहुंची क्योंकि हिंदुओं की प्रचलित धार्मिक धारणाओं के अनुसार समुद्र पार जाने की मनाही थी और समुद्र पार जाने से जातिच्युत, अपने जाति से बाहर निकालने, धर्म से बाहर निकालने का उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा था. इसलिए भी सिपाहियों ने 1856 के कानून का विरोध किया. सिपाहियों को अपने मालिक से
अन्य अनगिनत शिकायतें थी। सिपाहियों को अंग्रेजों से असंख्य कंप्लेन थी। उनके अंग्रेज अफसर उनके साथ हमेशा तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते थे, हमेशा इन्फीरियॉरिटी उनको फील कराते थे। एक समसामयिक अंग्रेज पर्यवेक्षक ने लिखा था कि अफसर और आदमी एक दूसरे के लिए दोस्त नहीं बल्कि अजनबी हैं। सिपाही को एक निकृष्ट प्राणी समझा जाता है, उसे गालियां दी जाती हैं, उसके साथ रूखा व्यवहार होता है, उसे हफ्सी कहा जाता है, उसे सुअर कह के पुकारा जाता है। नौजवान अफसर उसको एक निकृष्ट जानवर समझते हैं। ये स्टेटमेंट मैं नहीं पढ़ रहा, ये स्टेटमेंट उस समय के एक सर्वेयर ने लिखा, उस समय के एक पर्यवेक्षक ने लिखा जो उसने देखा था। ये अंग्रेज था जो भारतीय सिपाहियों की तुलना ब्रिटिश अफसरों से कर रहा था और कह रहा है कि उन्हें सुअर कहा जाता था, उन्हें हफ्सी कहा जाता था, उन्हें अजनबी समझा जाता था, उनके साथ निकृष्ट व्यवहार करते थे, निकृष्ट जानवर का उनके साथ व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा अगर कोई सिपाही अपने ही जैसे किसी ब्रिटिश सिपाही की तरह अच्छा सैनिक होता तो भी उसे ब्रिटिश सिपाही से कम वेतन मिलता था तथा उसके रहने तथा खाने पीने की व्यवस्था घटिया होती थी, निम्न स्तर की होती थी। इसके अलावा उसकी उन्नति की संभावना बिल्कुल नहीं थी। कोई भी भारतीय सूबेदार के ओहदे से ऊपर नहीं जा सकता था और एक सूबेदार का मासिक वेतन उस समय 60 से 70 रुपए तक होता था। वस्तुतः सिपाही का जीवन काफी कठिनाइयों से भरा हुआ था। स्वभावतया सिपाहियों की हीनता कि इस कृत्रिम और जबरदस्ती लादी गई स्थिति पर सिपाहियों को काफी नाराजगी थी। जैसा कि ब्रिटिश इतिहासकार T.R. Holmes ने लिखा, T.R. Holmes लिखता है कि उसने हैदर अली जैसी सैनिक प्रतिभा के लक्षण हो सकते थे अगर वह जानता था कि वह एक अंग्रेज अफसर जितना वेतन नहीं पा सकता और 30 सालों की निष्ठापूर्वक सेवा के बाद वह जिस ओहदे पर पहुंचा वह इंग्लैंड से आए हुए नए कमीशन प्राप्त अफसर के बदतमीजी से भरे हुक्मों आदेशों से उसे नहीं बचा पाएगा। अर्थात कहने का सेंस यह है कि होम्स इस बात का उल्लेख करता है कि भारतीय सिपाही हैदर अली जैसा इतना योग्य बन सकता है, लेकिन इत्तेफाक की बात क्या है कि वह 30 साल तक कंपनी की निष्ठापूर्वक सेवा करता है, उसके बाद भी इंग्लैंड से कमीशन प्राप्त अफसर की बदतमीजी भरे कानूनों, बदतमीजी भरे आदेशों को पालने के लिए वो बाध्य है। सिपाहियों के असंतोष का एक अधिक तात्कालिक कारण वह ताजा आदेश था जिसमें कहा गया था कि उन्हें सिंध या पंजाब में काम करने पर विदेशी सेवा भत्ता नहीं दिया जाएगा। इस आदेश के फलस्वरूप अनेक सिपाहियों के वेतन में भारी कटौती की गई। अनेक सिपाहियों के निवास स्थान अवध के अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने के कारण उनकी भावनाएं भड़क उठी। सिपाहियों के असंतोष का वस्तुतः एक लंबा इतिहास था। बंगाल में काफी पहले 1764 में एक सिपाही विद्रोह हुआ था। 30 सिपाहियों को तोपों से उड़ा कर अधिकारियों ने विद्रोह को दबा दिया था। 1806 में वेल्लोर में सिपाहियों ने बगावत की थी मगर भयंकर हिंसा का सहारा लेकर उन्हें कुचल दिया गया। 1824 में बैरकपुर स्थित 47 रेजिमेंट के सिपाहियों ने समुद्री रास्ते से बर्मा जाने से इनकार कर दिया था। उस रेजिमेंट को तोड़ दिया गया, उसके निहत्थे आदमियों पर तोप खाने से गोलियां चलाई गई और सिपाहियों के नेताओं को फांसी पर लटका दिया गया। 1844 में 7 बटालियन ने अंग्रेजों और भत्ते पर सवाल लेकर के विद्रोह किया था। इस प्रकार अफगान युद्ध के दौरान अफगानिस्तान स्थित सिपाही विद्रोह के लिए तत्पर हो गए। फौज में मिले हुए असंतोष को जाहिर करने के लिए 2 सूबेदारों को, जिनमें एक हिंदू और दूसरा मुसलमान था, गोली मार दी गई। सिपाहियों के बीच असंतोष इतना व्याप्त था कि बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रेडरिक हैलिडे ने कहा कि बंगाल की सेना कमोबेश विद्रोह की मुद्रा में थी, वह सदा विद्रोह करने को तत्पर रहती थी और उत्तेजना तथा अवसर का संयोग होते ही उस विद्रोह को कर दिया होता। इस तरह भारतीय जनता और कंपनी की सेना के सिपाहियों ने एक बड़े भाग में विदेशी शासन के प्रति व्यापक तथा घोर नापसंदगी, यहां तक कि घृणा फैली हुई थी। इस भावना को सैयद अहमद खान ने अपनी पुस्तक कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटनी
कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूटनी में लिखा है, हिंदुस्तान के रिवोल्ट के कारण कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटनी में सर सैयद अहमद खान ने इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने वो लिखते हैं कि आखिरकार भारतीयों को यह सोचने की आदत लग गई कि सारे कानून उनको गर्त में गिराने तथा बर्बाद करने और उन्हें तथा उनके देशवासियों को उनके धर्म से वंचित करने के लिए बनाए गए हैं। अंततोगत्व वह समय भी आ गया जब सब लोग अंग्रेजी सरकार को धीरे धीरे दिया जाने वाला जहर तथा आग को जोखिम भरी लपट समझने लगे। उन्होंने धीरे धीरे यह विश्वास करना शुरू कर दिया था कि अगर वे आज सरकार के चंगुल से बच जाएं, तो भी कल उसमें जरूर फंसेंगे, या कल भी बच जाएं, तो परसों अपना सर्वनाश जरूर देखेंगे। लोगों ने सरकार में परिवर्तन की कामना की और उसे विचार से ब्रिटिश शासन को हटाकर उसकी जगह पर दूसरा कोई शासन आएगा, उनका हार्दिक आनंद हुआ। वो इस बात को मान रहे थे कि अगर हम विद्रोह करें तो एक नया शासन आएगा और हमारे लिए महत्वपूर्ण कारक बनेगा। इसी प्रकार दिल्ली के विद्रोहियों द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में निम्नलिखित शिकायतें की गई थी। जो दिल्ली के सिपाहियों ने घोषणा पत्र जारी की थी, अगर उसको भी बारीकी से पढ़ें तो भी हमें क्लियर दिखाई देगा कि सिपाहियों के अंदर कितना असंतोष था। दिल्ली की घोषणा पत्र में कहा गया कि सर्वप्रथम भारत में जहाँ से 200 रुपये दिए थे वहाँ उन्होंने 300 रुपये वसूले, जहाँ 400 रुपये मांगे जाने चाहिए वहाँ 500 रुपये थे। माय डियर, मैंने आपसे कहा कि किस तरीके से अगर आप दिल्ली में सिपाही विद्रोहियों द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र, जो उनकी प्रोक्लेमेशन थी, उसको ध्यान से देखें तो उसमें आपको निम्नलिखित शिकायतें स्पष्ट दिख जाएंगी। सर्वप्रथम भारत में जहां 200 रुपये दे थे, वो लिखते हैं अपने घोषणा पत्र में कि सर्वप्रथम भारत में जहां से 200 रुपये दे थे वहां उन्होंने 300 रुपये वसूले, और जहां 400 रुपये मांगे जाने चाहिए थे वहां 500 रुपये ऐठे हैं। फिर भी वे एक कंपनी और उनकी मांगों को बढ़ाने के लिए व्याकुल हैं, अतएव जनता जरूर बर्बाद होगी, लोगों की अर्थव्यवस्था जरूर नष्ट होगी और दर दर लोग भीख मांगते फिरेंगे। द्वितीयतः उन्होंने चौकीदारी टीम को बढ़ाकर दुगुना, फिर चौगुना और यहाँ तक कि 10 गुना कर दिया, और इस प्रकार उन्होंने जनता को बर्बाद कर दिया। तृतीयता थर्ड उनकी जो कंप्लेन थी, वो कहते हैं कि सभी प्रतिष्ठित और विद्वान लोगों का व्यवसाय खत्म हो गया और करोड़ों लोग जीवन निर्वाह आवश्यक वस्तुओं के लिए मोहताज हो गए। जब भी कोई व्यक्ति रोजगार ढूंढने के लिए एक जिले से दूसरे जिले में जाता है, तब उससे सड़कों पर 6 पाई प्रति व्यक्ति के हिसाब से मार्ग कर, रोड टैक्स या राहदारी लिया जाता है, और उसे हर गाड़ी पर 4 से 8 आना कर देना पड़ता है। जो टैक्स का भुगतान करते हैं उन्हें ही सार्वजनिक सड़कों पर चलने दिया जाता है। जालिमों के अत्याचार को हम कहाँ तक गिनाएं? धीरे धीरे ये बात इस हद तक बढ़ गई कि सरकार ने प्रत्येक के धर्म को नष्ट करने का फैसला लिया। ये सभी लाइन 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स ये सिपाहियों के द्वारा दिल्ली में जो घोषणा पत्र जारी किए गए थे उसमें लिखा था। 1857 के विद्रोह, ब्रिटिश नीतियों और साम्राज्यवादी घोषणा के प्रति जन असंतोष की पराकाष्ठा थी, मगर यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। असंतोष काफी लंबे समय से जमा होता जा रहा था। अनेक बुद्धिमान ब्रिटिश अफसरों ने इस पर ध्यान दिया था और कड़ी चेतावनियां जारी की थी। भारत से 1757 में ब्रिटिश सत्ता स्थापित होने के समय से ही लगातार कई विद्रोह हुए थे, जो
इस आने वाले तूफान, इस आने वाले रिवोल्ट के निश्चित और स्पष्ट संकेत थे। इतिहासकारों ने ऐसे सैकड़ों विद्रोहों का उल्लेख किया है। शायद इनमें प्रसिद्ध थे कक्ष विद्रोह, 1831 का कोल विद्रोह, 1855 का संथाल विद्रोह। कक्ष विद्रोह का नेतृत्व उनके सरदारों ने किया और वह किसी न किसी रूप में 1816 से 1832 तक चलता रहा। छोटा नागपुर के कोल आदिवासियों ने बाहरी लोगों को महाजनों और जमींदारों के रूप में लादने के कारण अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। हजारों कोलों को मारे जाने के बाद जाकर कहीं ब्रिटिश सत्ता फिर से कायम हो सकी। संथाल विद्रोह के कारण मूलतः आर्थिक थे। संथालों का विद्रोह महाजनों और उनके संरक्षकों ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ था। हजारों की संख्या में संथालों ने विद्रोह किया और भागलपुर तथा राजमहल के बीच के इलाकों में उन्होंने अपनी सरकार की स्थापना की। आखिरकार उन्हें 1856 में दबा दिया गया और वो भी बहुत ही बर्बरता से। उन भोले वाले जो जनजातीय लोग थे, जंगलों में रहने वाले लोग थे, उन पे नृशंस गोलियां चलाकर उनकी हत्या की गई। अठारह सौ सत्तावन तक आम उथल पुथल के लिए पूरी तरीके से मसाला तैयार था। पुरानी घटनाओं का जिक्र जिसका मैंने किया है, वो सभी चीज़ें लोगों को किसी न किसी तरीके से प्रभावित कर रही थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट उनके खिलाफ उठ खड़ा होने के लिए तैयार कर दी थी। जनता के अंदर ये दबे हुए असंतोष को एक केंद्र बिंदु तत्कालिक कारण के रूप में सामने आई। कहने का सेंस ये है कि 1857 तक आम उथल पुथल के लिए मसाला तैयार था, उसे प्रज्वलित करने के लिए, उसे धड़काने के लिए केवल एक चिंगारी की जरूरत थी। जनता के अंदर दबे हुए असंतोष को एक केंद्र बिंदु, एक तत्कालिक कारण की आवश्यकता थी जिस पर उसे संकेंद्रित किया जा सके। चर्बी लगे कारतूसों की घटना ने सिपाहियों में असंतोष को भड़काने के लिए चिंगारी का काम किया और उनकी बगावत ने आम जनता को विद्रोह करने का मौका दिया। नई एनफील्ड राइफल फौज को पहली बार दी गई थी। नई एनफील्ड राइफल जो ब्राउन बैस की जगह फौज को पहली बार दी गई थी, उसके कारतूसों पर चिकनाई लगा कागज होता था। चिकनाई लगा ये ग्रीस लगे हुए कागज होते थे जिनके किनारों को दांतों से काटना पड़ता था और फिर कारतूस को राइफल में भरना पड़ता था। कतिपय स्थितियों में चिकनाई को, ये ग्रीस को, गोमांस और सुअर की चर्बी मिली हुई ग्रीस से, मतलब उसके तेल से तैयार किया जाता था। अब कतिपय स्थितियों में चिकनाई में गोमांस और सुअर की चर्बी मिली होती थी जो हिंदू और मुसलमान सिपाहियों दोनों के लिए एक उनके धर्म के विरुद्ध था। हिंदू मुसलमान सिपाही इसे देखकर गुस्से में भड़क उठे। चिकनाई मिले कारतूस के इस्तेमाल के प्रयोग के यूज से उनके धर्म को खतरा पैदा हो जाता था। उनमें से अनेक का विश्वास था कि सरकार जानबूझकर उनके धर्म को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। विद्रोह करने का समय आ गया था और अब विद्रोह तेजी से फैलने के लिए अपना रूप धारण कर रहा था। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका था, विद्रोह की शुरुआत के संबंध में अगर कहें तो अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका था कि 1857 का विद्रोह स्वतः स्फूर्त और अनियोजित था या सावधानीपूर्वक और गुप्त संगठन का परिणाम था। 1857 के विद्रोह के इतिहास के अध्ययन का विचित्र पहलू यह है कि अध्ययन करने वाले को बिल्कुल पूरी तरह से ब्रिटिश अभिलेखों, ब्रिटिश रिकॉर्डों का सहारा लेना पड़ता है। विद्रोहियों ने अपने पीछे कोई अभिलेख नहीं छोड़े हैं, कोई रिटेन डॉक्यूमेंट्स नहीं छोड़े हैं। चूंकि इसका काम गैर कानूनी था, इसलिए उन्होंने
कोई अभिलेख नहीं रखे होंगे, कुछ भी रिटेन डॉक्यूमेंट्स नहीं रखा होगा। इसके अलावा विद्रोहियों को हरा और दबा दिया गया था और घटनाओं का उनका विवरण उनके साथ ही खत्म हो गया। अंत में उसके कई वर्षों बाद तक अंग्रेजों ने विद्रोह का हर प्रशंसात्मक उल्लेख दबा दिया और उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जिन्होंने विद्रोहियों की दृष्टि से 1857 की कहानी को लिखने की कोशिश की। माय डियर, यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूँ कि 1857 के बारे में हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी सूचनाएं हैं, वो सभी सूचनाएं हमें ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स के आधार पे ही प्राप्त हैं। सिपाहियों के द्वारा कोई भी रिटेन डॉक्यूमेंट्स हमें प्राप्त नहीं है। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पीछे के दो कारण हैं। पहला कारण कि सिपाही खुद कोई भी रिटेन डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के रूप में नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई भी रिटेन डॉक्यूमेंट्स नहीं रखा होगा। दूसरा कारण, जिन लोगों ने रिवोल्ट के समय या रिवोल्ट के बाद भी रिवोल्ट के बारे में लिखने का प्रयास किया होगा, सिपाहियों के नज़र से रिवोल्ट को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया होगा, उनके ऊपर अंग्रेजों ने बड़ी ही बर्बरता से दमन के डंडे चलाए होंगे। उनके सारे लिटरेचर, उनके सारे साहित्य, उनके प्रेस जब्त कर लिए गए। अंग्रेजों ने उनके विरुद्ध विद्रोह का हर दांपेच इस्तेमाल किया कि अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपको ब्रिटिश सरकार से विद्रोह करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाएगा, और ऐसा किया भी गया। हर उस लेख को या तो नष्ट कर दिया गया, या तो उनको जला दिया गया, या ऐसे लिखने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी गई। इसीलिए 1857 के बारे में हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही मिलता है। इतिहासकारों और लेखकों के एक समूह ने दावा किया कि 1857 का विद्रोह एक व्यापक और सुसंगठित षड्यंत्र का परिणाम था। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि 1857 का विद्रोह स्वतः स्फूर्त नहीं था या अनियोजित नहीं था, इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी, पूरी स्ट्रेटजी थी। क्योंकि मैंने आपको ऑनलाइन क्लासेस में कई बार इसका जिक्र किया है कि वे रोटी चपाती और लाल कमल एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने का प्रयोग कर रहे थे। एक गांव से दूसरे गांव रोटी, रोटी मीन्स चपाती, और लाल कमल एक गांव से दूसरे गांव भेजे जाने और सदा एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहने वाले सिपाहियों, फकीरों और मदारियों के प्रचार का जिक्र करते हैं। उनका कहना है कि अनेक भारतीय रेजिमेंट एक गुप्त संगठन से जुड़ी हुई थी जिसने 31 मई 1857 का दिन विद्रोह के लिए निश्चित किया। यह भी कहा जाता है कि नाना साहब और फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला इस कॉन्स्पिरेसी, इस षड्यंत्र के प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने इस रिवोल्ट को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अन्य लेखक उतने ही जोरदार रूप से इस बात का इनकार करते हैं कि विद्रोह के लिए पहले से कोई सतर्कतापूर्वक योजना बनाई गई थी। वे इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि न तो विद्रोह के पहले और न ही उसके बाद कोई ऐसा कागज मिला जिससे किसी संगठित षड्यंत्र का संकेत मिलता हो, न ही ऐसा कोई गवाह सामने आया जो सुनियोजित षड्यंत्र होने का दावा करता हो। असलियत शायद उन दोनों छोरों के बीच में है। यह षड्यंत्र क्या स्वतः स्फूर्त था? ये षड्यंत्र क्या परिस्थितियों के आधार पे तुरंत फूटा? कि इस षड्यंत्र के पीछे, इस रिवोल्ट के पीछे कोई सोची समझी चाल थी, इस संबंध में इतिहासकार मतैक्य नहीं है। इतिहासकारों का इन दोनों के बीच कहीं
कुछ इतिहासकार कहते हैं कि स्वतः स्फूर्त नहीं था, इसके पीछे प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्लानिंग थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं, यह स्वतः स्फूर्त था, ये परिस्थितियों के अनुसार तुरंत ही फूट पड़ा। बहरहाल सत्य क्या था इसके बारे में आज भी शोध और रिसर्च के आधार पर काम करना शेष है। अब विद्रोह की शुरुआत कब हुई? इस विद्रोह की शुरुआत करने के पहले विद्रोह का स्वरूप कैसा था? विद्रोह के बारे में लोगों की सोच क्या थी? क्या ये सिपाही विद्रोह था या सिपाही विद्रोह नहीं था? और इसके अलावा हमें उन पॉइंट्स पे भी ध्यान देना होगा जो पॉइंट्स रिवोल्ट के कारण बने। हमने आपको हर एक बात पे एक कहानी के रूप में पूरी डिटेल बताई। मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू रखूँगा। अब देखते हैं इस फैक्ट के आधार पे, अब देखते हैं पॉइंट्स के आधार पे इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। अब मैं आपको अगर आपके बुक से ले चलूँ तो बुक में सीधा कहता है कि लेट इन द आफ्टरनून ऑफ 10 मई 1857 द सिपाही इन द कैंटोनमेंट ऑफ मेरुट ब्रूक आउट इन म्यूटिनी। इट बिगेन इन लाइन ऑफ द नेटिव इन्फेंट्री से स्पीयर्ड वेरी स्विफ्टली टू कैवलरी एंड देन टू सिटी। द ऑर्डिनरी पीपुल ऑफ द टाउन एंड सराउंडिंग विलेज ज्वाइंड एंड एम्यूनेशन। द सिपाही कैप्चर द बेल ऑफ आर्म वेयर द आर्म्स एंड एम्यूनेशन वर केप्ट एंड प्रोसीडेड टू अटैक वाइट पीपुल एंड टू रैनसेक एंड बर्न देयर बेंगलो एंड प्रॉपर्टी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स रिकॉर्ड ऑफिस जेल कोर्ट पोस्ट ऑफिस ट्रेजरी ईटीसी वे डिस्ट्रॉयड एंड प्लंडर्ड। द टेलीग्राफ लाइन अप टू दिल्ली वॉज कट एज डार्कनेस डिसेंडेड। अ ग्रुप ऑफ सिपाही रोड ऑफ टूअर्ड्स दिल्ली। द सिपाही अराइव एट द गेट ऑफ द रेड फोर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन 11 मई। इट वॉज द मंथ ऑफ रमजान द मुस्लिम हॉली मंथ ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग। द ओल्ड मुगल इम्परर बहादुर शाह हैड जस्ट फिनिश हिज प्रेयर एंड मील बिफोर द सन रोज एंड देन फास्ट बिगेन। ही हर्ड दैट द कमोशंस एट द गेट। द सिपाही हु हैड गैदर्ड अंडर हिज विंडो टोल्ड हिम वी हैव कम फ्रॉम मेरिट आफ्टर किलिंग ऑल इंग्लिश मैन देयर बिकॉज दे आस्क अस टू बाइट बुलेट्स दैट वर कोटेड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग विथ आर टीथ। दिस हैज करप्टेड द फेथ ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स अलाइक। अनदर ग्रुप ऑफ सिपाही ऑल्सो इंटर्ड दिल्ली एंड द ऑर्डिनरी पीपुल ऑफ द सिटी ज्वाइन टाउन। यूरोपियंस वर किल्ड इन लार्ज नंबर द रीच ऑफ दिल्ली वर अटैक्ड द लूटेड। इट वॉज क्लियर दैट दिल्ली हैड गॉन आउट ऑफ द ब्रिटिश कंट्रोल। सम सिपाही रोड इन टू द रेड फोर्ट विदाउट ऑब्जर्विंग द एलोबरेट कोर्ट एटिकेट एक्सपेक्टेड ऑफ देम। दे डिमांडेड दैट द एम्परर गिव देम द बिजनेस सराउंडेड बाई द सिपाही। बहादुर शाह हैड नो अदर ऑप्शन बट टू कंपनी द रिवोल्ट। दस एक्वायर्ड अ काइंड ऑफ लेजिमेसी बिकॉज इट कुड नाउ बी कैरीड ऑन द नेम ऑफ मुगल एम्परर। माई डियर दिस इज द टाइम वेन सिपाही रीच्ड दिल्ली। दे आस्क्ड फॉर मुगल एम्परर दैट यू हैव टू लीड अस यू हैव टू बी आर लीडर। माई डियर वी विल कंटिन्यू वी विल रीड दिस टॉपिक बट बिफोर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फीचर ऑफ द रिवोल्ट 1857 एंड काजेज ऑफ द रिवोल्ट 57। हम इन चीज़ों पर विस्तार से बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।